हरी बोल, क्या आपने कभी सोचा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस या फिर लियोनार्डो दा विंची, इन लोगों के माइंड में ऐसी क्या खास बात थी कि ये अपनी फील्ड के मास्टर्स बने? इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो उनका माइंड गॉड गिफ्टेड था, या फिर उन्होंने अपने माइंड को उस तरीके से ढाला कि वो अपनी फील्ड में सुपीरियर बने। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो पता नहीं कितने सालों पुराने हो, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात को जानते हैं कि वो इंसिडेंट हमारे साथ पूरी लाइफ भर रहने वाले? ऐसा क्यों है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि पर डे हमारे माइंड से अराउंड 60,000 थॉट्स फ्लो करते हैं, और अगर हम किसी इंसिडेंट को पकड़ के उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करें, इसका मतलब ये है कि उन 60,000 थॉट में से हमने काफ़ी सारे थॉट्स एक ही डायरेक्शन में मर्ज कर दिए, सिर्फ एक चीज़ पर लगा दिए, इसलिए वो चीज़ अब हमारे माइंड में एक अलग, एक स्पेशल जगह लेने वाली है। ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को मैं एग्जाम से कनेक्ट करके अलग अलग टेक्निक्स बनाता हूँ, और वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर मुझे अपनी माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक्स पर इतना विश्वास है, और मैंने बैंक पीओ और सीजीएल दोनों ही एग्जाम्स को एक साथ पढ़ के क्रैक भी किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने यूपीएससी के लिए क्यों नहीं पढ़ा, मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन वीडियो के एंड में। तो सवाल ये है कि सुपीरियर माइंड मिलेगा कैसे? तो देखो, सुपीरियर माइंड किसी भी इंसान के पास होने के दो कारण हो सकते हैं सिर्फ। या तो उसको गॉड गिफ्टेड माइंड हो, इसका मतलब उसके प्रीवियस कर्मास की वजह से उसको ये माइंड मिला है इस लाइफ में, या फिर उस पर्सन ने खुद से मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया कि उसका माइंड सुपीरियर बना। और आपका माइंड अभी चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, मैं आपको इस वीडियो में प्रूव कर दूंगा कि आपके माइंड को सुपीरियर माइंड बनाया जा सकता है, और उसको इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। मॉडर्न साइंस ने ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी है जिसमें उसने बताया कि हमारे माइंड की असली कैपेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, और ऐसे कई सारे तरीके बताए हैं जिससे अपने माइंड को बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाया जा सकता है। मैं ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर भी करूँगा। जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, यहाँ पे भी कई सारे तरीके बताए गए हैं कि कैसे हम अपने माइंड की कैपेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, जो हाईएस्ट कैपेबिलिटी है। जो मॉडर्न साइंस का तरीका है, वहाँ से मैंने डिड्यूस किया है वाओ मेथड, जिसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा हर एक एग्जाम में ये कैसे अप्लाई हो सकता है इसी वीडियो में, और वैदिक स्क्रिप्चर से हम मेडिटेशन को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम इन दोनों को ही अपनी डेली लाइफ में लेकर आएंगे और अपनी प्रिपरेशन को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लेंगे कि आपको प्रिपरेशन करते हुए ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो अब एक बार वाओ मेथड पर आते हैं। वाओ मेथड को यूज़ करने का रीज़न क्या है और उसका पर्पस क्या है? इसको यूज़ करने से जो माइंड की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। माइंड हमारा कितनी चीज़ों को होल्ड करके रख सकता है एक साथ, इस चीज़ के बारे में भी आपकी टेस्टिंग होगी। माइंड का फोकस बढ़ेगा बहुत ज़्यादा, ताकि जब आप पढ़ो तो उस टाइम पे आपका माइंड इधर उधर ना भागे। आपके माइंड का जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ज़्यादा क्विक हो जाएगा पहले से। बस एक चीज़ को जान लो कि आपका माइंड बहुत सारी लेयर से मिलकर बना है, और जो चीज़ आपकी माइंड की जितनी अंदर वाली लेयर तक पेनिट्रेट कर पाती है, आपका माइंड उस चीज़ को उतनी ईजीली एक्सेप्ट करता है। और इस मेथड में हम यही करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इसकी जो बिगिनिंग होगी ना मेथड की, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से होगी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसको प्रैक्टिस करना कैसे है। अब देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में इसकी बात करी थी तो मैंने आपको बोला था कि इसको राइट ऑन वॉल भी आप कहोगे, कि आंखें बंद करके आप इसको दीवार पे लिखोगे, लेकिन वो सिर्फ एक समझाने का तरीका था। आप जिस चीज़ में भी कंफर्टेबल हो, जिस तरीके से आप इसको परसीव कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आपको इसको वैसे ही प्रैक्टिस करना है। बट एक बात ध्यान रखनी है कि आँखें आपकी बंद ही होनी चाहिए, और आपको माइंड के अंदर उस चीज़ को रिकॉल करना है, चाहे आपके माइंड पर कितना प्रेशर क्यों ना पड़े। एक बात ध्यान रखना, होता क्या है कि हम अपने माइंड से काम कराते नहीं है उतना जितना उसको करना चाहिए, लेकिन जब हम आंखें बंद करके किसी चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे होता क्या है, हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो हार्डवर्क करना स्टार्ट करता है जिसके वो यूज टू नहीं था। बिल्कुल वैसे जैसे हम जिम जाते हैं, मसल्स को ब्रेक करते हैं ताकि जब मसल्स की फॉर्मेशन फिर से हो तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, सेम हमारे माइंड के साथ होता है। जब हम उससे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कराते हैं तो वो भी और ज़्यादा निखर कर निकलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है पहले से। अब देखो, इससे आगे इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। जितने भी बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको सिंपली जो नंबर सीरीज, इक्वेशन कंपैरिजन, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको माइंड के अंदर ही कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये धीरे धीरे करके होने लगेंगे। अगर हम सीजन की बात करते हैं तो सीजन में मान लो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक के कुछ मुश्किल टाइप्स होते हैं, उन मुश्किल टाइप्स को आपको माइंड के अंदर ही सॉल्व करना है, पूरे आंसर को कोशिश करनी है सॉल्व करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा आंसर निकाल दो, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप आंसर को कोशिश करो कि पूरा का पूरा आंसर हमारे माइंड में हो जाए। जो सॉल्यूशन आप कॉपी में लिखते हो ना, बिल्कुल वो आंख बंद करके आपके माइंड के सामने पेन डाउन होना चाहिए। इससे होगा क्या कि उस पर्टिकुलर टाइप का जो क्वेश्चन है वो करते हुए आपके माइंड ने इतनी ज़्यादा मेहनत कर दी कि वो उसको नहीं भूलेगा,
और सेम चीज़ आप एडवांस मैथ के फॉर्मूले लर्न करने में भी कर सकते हो। अब इसी चीज़ को हम यूपीएससी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको दिन में दो स्लॉट निकालने पड़ेंगे। इनिशियली आप 10-10 मिनट के दोनों स्लॉट्स निकाल सकते हो, बट इसको बहुत ही जल्दी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना। अब आप डे के फर्स्ट हाफ में जो कुछ भी पढ़ते हो ना, उसको रिवाइज आपको कैसे करना है, आपको आंखें बंद करके सेम मेथड से रिकॉल करना है आपने जो जो पढ़ा है। अब ऑफकोर्स ही बात है कि आप उस सब चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाओगे, और आपको एक ऐसा पॉइंट भी लगेगा रिकॉल करते हुए कि यार ये तो मुझे नहीं याद होने वाला है, ये मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। बट स्टिल आपको उस पर बहुत ज़्यादा जोर लगाना है। आपके माइंड के ऊपर जितना ज़्यादा जोर लगेगा ना, वो उतना ज़्यादा उभर के आएगा, उतना ज़्यादा और सुंदर बनेगा, और आपको एक कुछ ही दिन में रियलाइज़ भी हो जाएगा। फिर सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है अपने नेक्स्ट स्लॉट के लिए भी। अब ऐसे ही जितने बाकी एग्ज़ाम्स भी है, चाहे वो जेई है, चाहे वो नीट है, या कोई भी और एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको सेम चीज़ को प्रैक्टिस करना है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने समझाया है। और प्लीज़ अपने माइंड पे डाउट मत करना, आपको अभी शायद इस बात का आइडिया भी नहीं कि आपका माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जैसे ही आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना और आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अपने माइंड की पावर एक्चुअल में रियलाइज़ होने लग जाएगी। मॉडर्न साइंस ने ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं जिससे कि माइंड की सिक्योरिटी एस्टेब्लिश होती है, और ऐसे कई सारे तरीके बताए हैं जिससे हम अपने माइंड को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स जैसे कि द रोल ऑफ डेलिबरेट प्रैक्टिस इन द एक्विजिशन ऑफ एक्सपर्ट परफॉर्मेंस, माइंडसेट, द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, मेक इट स्टिक, द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग, हाउ पीपल लर्न, ब्रेन माइंड एक्सपीरियंस एंड स्कूल, ये सब रिपोर्ट्स माइंड के बारे में एक्सप्लेन तो करती हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज़ कॉमन है, ये सभी मेंशन करती है दैट व्हाइल द स्टडीज प्रोवाइड कंपेलिंग एविडेंस, माइंड्स पावर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टिल बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय द रिसर्चर्स। मतलब ये सब रिपोर्ट्स मानती है दैट माइंड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पावरफुल, बट स्टिल इट्स पावर इज अनएक्सप्लोर्ड। ये रिपोर्ट्स बताती है कि जो एथलीट्स और म्यूजिशियंस होते हैं वो विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। ये रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि अगर हम किसी भी टास्क को मेंटली रिहर्स करते हैं तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसमें हमारी इंप्रूव परफॉर्मेंस दिखाई देती है। तभी आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो भी बताई थी कि एग्जाम से 10 मिनट पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। उसमें कई सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज भी आए जिसमें कि उन्होंने मुझे थैंक करा उस टेक्निक के लिए। इन रिपोर्ट्स में प्लेसिबो इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे ये बताया गया कि कैसे माइंड खुद ही बॉडी को ट्रीट कर सकता है बिना मेडिसिन के। इसके अलावा माइंड बॉडी कनेक्शन, न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्लेसिबो एनाल्जेसिया, इन सभी मेथड्स की हेल्प से रिसर्चर्स ने प्रूव करा है माइंड की सुपियोरिटी को, और उन्होंने ये भी प्रूव करा है कि सही मेथड्स को और सही टेक्निक्स को फॉलो करने से कोई भी इंसान अपने माइंड को सुपीरियर बना सकता है। अगर मैं वैदिक स्क्रिप्चर्स की बात करूँ तो माइंड सबसे फेवरेट टॉपिक है वैदिक स्क्रिप्चर्स का, उसको बहुत सारी जगह पे मेंशन किया गया है, जैसे कि कट ऑफ मिशन, इसमें सोल को राइडर बताया गया है रथ का, बॉडी को रथ बताया गया है, इंटेलेक्ट जो कि बुद्धि है उसको सारथी बताया गया है, और माइंड को बताया गया है लगाम। मुंडक उपनिषद में बताया गया है दैट माइंड अलोन इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन, इट डिपेंड्स कि आप माइंड को अपना दोस्त बनाते हो या दुश्मन। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि इंसान जो चाहता है वो बन सकता है अगर वो अपने माइंड को ढंग से यूटिलाइज करे। भगवद्गीता चैप्टर 6 वर्ड्स 5 एंड 6, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से माइंड की सुपियोरिटी को एस्टैब्लिश किया गया और बताया गया कि कैसे कोई भी इंसान अपनी साधना की मदद से अपने माइंड पे काबू पा सकता है और अपने माइंड से वो अपने अनटैप्ड पोटेंशियल को जान सकता है। और उसी अनटैप्ड पोटेंशियल को जानने के लिए मैं आपको बताऊंगा मेडिटेशन के बारे में। एक बार हम वाओ मेथड को कंक्लूड करते हैं और उसके बाद मेडिटेशन को। तो ये तो था वाओ मेथड के बारे में, बट इसके साथ साथ हम मेडिटेशन को भी फॉलो करेंगे। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए हमें बेसिक से तैयारी करनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो आपके फेवरेबल होगी, आप बहुत आसानी से उसे प्रैक्टिस कर पाओगे ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन में आप मेडिटेशन की पीक पर जा पाओ। ये हम स्टार्टिंग के एक महीने के लिए करेंगे, एक महीने के बाद मैं इसे अपग्रेड करूंगा। अभी के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके पढ़ाई के स्लॉट्स हैं इनके बीच में आपको इसको प्रैक्टिस करना है 10 मिनट का टाइमर लगा के। और करना क्या है, आपको सांस लेनी है अंदर काफ़ी गहरी, लेकिन अनकंफर्टेबल फील नहीं होना है, जितने पे आप कंफर्टेबल हो उतना ही धीरे धीरे से सांस लेनी है काफ़ी गहरी, और उसके बाद रिलीज करते हुए साउंड निकालनी है। और आपको ये इमेजिन करना है कि साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ। इसके एक महीने बाद हम इसको अपग्रेड करेंगे और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इसके बाद आपको क्या करना है मेडिटेशन। हम एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉलो करेंगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहे, आपके माइंड को हेल्दी रखें और आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे। और एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि आपको एक और छोटी सी एक्टिविटी अपनी डेली रूटीन में इनकल्केट करनी है, दैट इज़ बुक रीडिंग।
कोई भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल बुक आपको सोने से एक घंटा पहले मोबाइल वगैरह सब साइड रख के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स साइड रख के उस बुक को रीड करना। हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में जब इंकल्केट करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। एक सवाल रह गया कि मैंने UPSC की प्रिपरेशन क्यों नहीं करी। देखो, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, उस टाइम पे भी मेरे पास लिमिटेड टाइम होता था, क्योंकि मैं पूरे दिन अपना मैक्सिमम समय बुक रीडिंग, मेडिटेशन और कुछ और एक्टिविटीज़ ही उसमें लगाता था। तो मेरी सिस्टर की एक क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि अगर पढ़ाई करनी होगी तो सिर्फ एक बार ढंग से पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसके बाद अगर बार बार तो एग्ज़ाम्स देगा तो जो तेरा इंटरेस्ट है वैदिक लिटरेचर रीड करना, मेडिटेशन करना, ये भी ढंग से फॉलो नहीं कर पाएगा। इसलिए उस समय पर मेरे पास चॉइस थी कि मैं किसी ऐसे एग्ज़ाम को चूज़ करूँ जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँ। और मैं हमेशा से ही चाहता था कि जो भी नॉलेज मैंने वैदिक लिटरेचर्स को रीड करके इकट्ठा करी है वो मैं स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँ, ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो पाए। इसीलिए मैंने UPSC की प्रिपरेशन नहीं करी। लेकिन हाँ, जो मेरा कोर एरिया है वहाँ पर मैं लगातार काम करता रहूँगा और इम्प्रूव करता रहूँगा, और जो भी हो पाएगा वो मैं स्टूडेंट्स के लिए करता रहूँगा। थैंक यू एंड हरे कृष्ण।